और एक बड़ा अपडेट इस बीच आ रहा है, वो बता देते हैं। बलिया से ये तस्वीर सामने आ रही है, वार्ड नंबर 16 से सपा के रंजीत चौधरी की हार हुई है। वार्ड नंबर 16 से बसपा के गुड्डू मलिक जीत गए हैं और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बेटे हैं रंजीत चौधरी। तो ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, बलिया से वार्ड नंबर 16 से सपा के रंजीत चौधरी की हार हुई है। वार्ड नंबर 16 से बसपा के गुड्डू मलिक जीत गए और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बेटे हार गए हैं चुनाव। तो नेता प्रतिपक्ष को भी यह सोचना होगा कि उनका क्या जो दबदबा स्थानीय स्तर पर है वो चल पा रहा है। सपा के जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 16 के वीआईपी कैंडिडेट रंजीत चौधरी चुनाव हार गए। इस सीट पर बसपा के गुड्डू मलिक ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, और अजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, वो बताएंगे किस तरीके के रुझान, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। अजय, आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 16 से सपा के प्रत्याशी रंजीत चौधरी जो है चुनाव हार गए हैं। रंजीत चौधरी राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके पुत्र हैं। यह इस सीट पर बसपा ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बसपा के गुड्डू मलिक यहां से चुनाव जीत गए हैं और भाजपा की कुल 5 सीटें अभी तक निकलती दिख रही है। 5 सीटें सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज किया है। वहीं 15 वार्डों में आगे चल रही है भाजपा। और जहां तक सपा की बात करें तो सपा अभी तक जो 3 सीटों पर अपना जीत दर्ज कराया है और ये बसपा जो है बसपा 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई है और 2 सीटों पर बसपा आगे चल रही है। जी, तो ये है बलिया की अपडेट। अजय, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वीआईपी सीट है, वहां से भी अप्रत्याशित नतीजे सामने आते नजर आ रहे हैं अवधेश। बिल्कुल, और जो सूरमा है उन्हें सोचना होगा कि उनका जो कद है वो उनके अगली पीढ़ी को पद नहीं दिला सकता, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देवरिया से बड़ी खबर आ रही है अवधेश। ये दर्शकों को बताएं कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चचेरे भाई ने चुनाव जीत लिया है। एक और वीआईपी सीट की अगर हम बात कर लें, देवरिया के शाही पकहा से ग्राम प्रधान का ये चुनाव जीत लिया है और पूर्व विद्युत मंत्री रविंद्र किशोर शाही के बेटे हैं मुरारी मोहन, उनके माथे पर ये विजय तिलक है। सुबह के समय उनके लिए एक अच्छी खबर है। और पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राम एकपाल यादव के बेटे को उन्होंने हराया है, यानी ये दोनों तरफ कांटे की टक्कर थी, दोनों पक्ष मजबूत थे और यहां पर अभय यादव को मुरारी मोहन ने 307 वोटों से हराया। यानी दिलचस्प मुकाबला भी रहा होगा और नतीजा जिसके पक्ष में आया है देवरिया से कृषि मंत्री के ये रिश्तेदार हैं और जीत इनके नाम, और हराया भी है पूर्व विद्युत मंत्री रविंद्र किशोर शाही के बेटे मुरारी मोहन को। तो देवरिया से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चचेरे भाई ने ये चुनाव जीता है। देवरिया का ये शाही पकड़ा है और यहां से ग्राम प्रधानी का चुनाव अपने नाम दर्ज कर लिया है और हराया किसे है, पूर्व विद्युत मंत्री रविंद्र किशोर शाही के बेटे मुरारी मोहन को। तो देखिए, ये जो पंचायत चुनाव है उसकी तस्वीर ये बताती है कि जो मंत्री हैं उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अब ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो इतने छोटे नहीं रहे, बड़े बड़े लोग इसमें अपने दांव आजमा रहे हैं। देवरिया से भी अपडेट है, वार्ड नंबर 1 से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। देवरिया में वार्ड नंबर 1 से समाजवादी समर्थित शैलजा यादव जीत गए हैं चुनाव। जिला पंचायत वार्ड संख्या 44 से बीजेपी प्रत्याशी गिरीश तिवारी चुनाव जीत गए हैं। तो देवरिया से ये दो अपडेट सामने आए हैं, दो परिणाम सामने आ गए हैं। वार्ड नंबर 1 से सपा की शैलजा यादव जीत गई हैं, तो वहीं 44 की बात करें वार्ड नंबर, तो गिरीश तिवारी चुनाव जीते हैं जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। तो देवरिया से दो परिणाम सामने आ गए हैं। रुझानों के बाद परिणामों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वार्ड 44 से बीजेपी प्रत्याशी गिरीश तिवारी जीते हैं, तो वहीं वार्ड नंबर 1 से समाजवादी पार्टी समर्थित शैलजा चुनाव जीत गई। जी बिल्कुल, और इसी क्रम में देखिए रुझानों के साथ वाकई नतीजे भी नजर आ रहे हैं और बने रही एबीपी गंगा पर। तो आपको 2:30 बजे तक मोटा मोटी जिन तस्वीरों का इंतजार था वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे हैं कि रुझान भी अब तेजी पकड़ रहे हैं वक्त के साथ और नतीजे भी इसी बीच आ रहे हैं, जिसमें कई वीआईपी सीटों का जिक्र किया है हमने।
कि किस तरीके से समीकरण बदल गए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा अवधेश कि अब ग्राम प्रधानी का चुनाव, ग्राम प्रधान एक छोटा सरकार है, उसके पास 12-13 ऐसे विभाग है जहां से सीधे जुड़ के वो लोगों की मदद कर सकता है। और यहां पर खासकर अपने पैतृक गांव से जुड़कर लोग अपने रिश्तेदारों को भी इस चुनाव के लिए उतारते हैं मैदान में, और कहीं ना कहीं सीधे, इनडायरेक्टली ना सही लेकिन सीधे उनकी इनकी साख तो जरूर होती है।